मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 28 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूले। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कॉलिन ओ बेड्री अंटार्कटिका महाद्वीप को बिना किसी सहायता के पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, वह किस देश के हैं? इसके चार ऑप्शन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका की। कॉलिन ओ बेड्री अंटार्कटिका महाद्वीप को बिना किसी सहायता के पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और वे अमेरिका देश के रहने वाले हैं। और आपको जो पिक्चर दिखाई गई है कॉलिन ओ बेड्री की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कॉलिन ओ बेड्री ने उत्तर से दक्षिण अंटार्कटिका तक 1600 किलोमीटर की दूरी 54 दिनों में पूरी की है, यानी कि ये जो 1600 किलोमीटर की दूरी है इन्होंने केवल 54 दिनों में ही पूरी की है। इससे पहले 1996-97 में नॉर्वे के बोर्ग आसलैंड पहली बार अकेले अंटार्कटिका पार करने वाले व्यक्ति बने थे। अंटार्कटिका पर सबसे पहले नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसेन और उनके बाद ब्रिटेन के रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट पहुंचे थे। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा कॉलिन ओ बेड्री कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की कैपिटल है। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी वो है न्यूयॉर्क सिटी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हुए डोनाल्ड ट्रंप, और जो वाइस प्रेसिडेंट हुए माइक पेंस। इसके अलावा यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है जॉन रॉबर्ट्स, ये यहाँ के चीफ जस्टिस है। और आपको जो फ्लैग दिखाया गया है ये अमेरिका का फ्लैग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बॉक्सिंग पुरुष टीम के कोच किसे बनाया गया है? इसके चार ऑप्शन है, बीके कटप्पा, सीके कटप्पा, पीके कटप्पा और डीके कटप्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीके कटप्पा को। भारतीय बॉक्सिंग पुरुष टीम के नए कोच सीके कटप्पा को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं सीके कटप्पा के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता सीके कटप्पा भारतीय बॉक्सिंग पुरुष टीम के मुख्य कोच बनाए गए, यानी कि इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और ये भारतीय बॉक्सिंग पुरुष टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। और इन्होंने किसको सक्सेड किया है? तो एआर सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दूर संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसके चार ऑप्शन है, जापान, चीन, फ्रांस, रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने दूर संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। इसके अलावा चीन की जो लार्जेस्ट सिटी वो है संघाई, ये चीन की लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है वांग क्यूशन, ये चीन के वाइस प्रेसिडेंट है। और यहाँ की जो करेंसी वो है रेनमिनबी। इसके अलावा आपको जो फ्लैग दिखाया गया है ये चीन का फ्लैग है। तो ये थी चीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस वीडियो को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 27 दिसंबर से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भूटान के, जापान के, मलेशिया के या फिर नेपाल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान के। भूटान देश के प्रधानमंत्री
27 दिसंबर से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, ये भूटान की कैपिटल है। और इसके अलावा यहाँ की जो किंग है वो है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान के किंग है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है लोटे शेरिंग, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेगुल ट्रम, ये भूटान की करेंसी है। और आपको जो फ्लैग दिखाया गया ये भूटान का फ्लैग है। तो ये थी भूटान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसके चार ऑप्शन है पंजाब, मणिपुर, दिल्ली या फिर गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी को किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसकी जो थीम है वो है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अमरिंदर सिंह, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। पंजाब का जो लैंड एरिया है वो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा पंजाब की जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है वो है 2,77,04,236, ये पंजाब की पॉपुलेशन है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बीपी सिंह बेंडोरे, ये पंजाब के गवर्नर है। इसके अलावा पंजाब में जो राज्यसभा की सीटें वो 7 सीटें और जो लोकसभा की सीटें वो 13 सीटें। तो ये थी पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेशन बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। इसके चार ऑप्शन है पीवी भारती को, कैलाश चंद्र को, महेश शर्मा को या फिर विनेश गुप्ता को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीपी भारती को। कारपोरेशन बैंक का नया CEO पीवी भारती को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं कारपोरेशन बैंक के बारे में। कॉर्पोरेशन बैंक का जो हेडक्वार्टर में कहाँ है, मंगलोर में। और इसके जो CEO है वो है जय कुमार गर्ग, ये कॉर्पोरेशन बैंक के CEO है। और इसके अलावा इसके जो फाउंडर है वो है खान बहादुर, हाजी अब्दुल्ला, हाजी कासिम साहेब बहादुर, ये इसके फाउंडर है। और इसकी जो टैग लाइन है वो है ए प्राइमर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ये इसकी टैग लाइन है। तो ये थी कॉर्पोरेशन बैंक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पर बिल पारित किया है। इसके चार ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर राज्य ने मॉब लिंचिंग पर बिल पारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन बीरेन सिंह, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा मणिपुर का जो लैंड एरिया है वो है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला, ये मणिपुर के गवर्नर है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, ये मणिपुर की कैपिटल है। मणिपुर के अंदर जो राज्यसभा की सीटें वो है 1 सीट और जो लोकसभा की सीटें वो है 2 सीट। तो ये थी मणिपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अंतरराष्ट्रीय वेलिंग आयोग यानी कि IWC से हटने का फैसला किया था। और IWC की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके चार ऑप्शन है चीन, जापान, रूस, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान देश ने अंतरराष्ट्रीय वेलिंग आयोग से हटने का फैसला किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, ये जापान की कैपिटल है।
इसके अलावा जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हुए सिंजो आबे और जापान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए तारो असो, ये जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और जो करेंसी हुए येन और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हुए नाटो ओटानी, ये जापान के चीफ जस्टिस है। तो ये थी जापान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए और वीडियो को देख सके। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।